The third goal of effective technical writing is accuracy. Accuracy means exact or correct in all details. It is a careful conforming to truth or fact. Whenever we attempt to write or say something, we need to be correct and accurate in terms of information, word choice, structure, grammar, pronunciation, etc. Accuracy is an important feature of communication. We know communication, whether written or oral, will be effective only when it gets the desired action or response. We can receive our intended response from our communicators when only we provide accurate and exact amount of information that is needed for a favorable response. So far as accuracy in technical writing is concerned, it has three main aspects. Number one, document accuracy. Number two, stylistic accuracy. And number three, technical accuracy. Number one, document accuracy refers to the proper coverage of your topics in appropriate detail. Often, an accurate document needs to focus clearly on a problem. Document accuracy is generally cultivated by a clear problem statement and by a preliminary outline. These writing tools help you focus your writing effort by reducing your data in a way that solves a theoretical or practical problem. मतलब ये कि डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी जो है वो आपके जो टॉपिक की अप्रोप्रिएट डिटेल के साथ कवरेज है इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। मतलब ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट उसी सूरत में बना सकते हैं जब आप क्लियरली अपना जो मेजर कंसर्न है, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप उसको क्लियरली स्टेट करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके साथ प्रिलिमिनरी आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रोप्रिएट डिटेल्स के साथ आप अपने कम्युनिकेटिव या अपने रीडर्स को ट्रांसमिट या ट्रांसमिट कर दें। नंबर सेकंड इज स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी कंसर्न्स द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर मीनिंग। एक्यूरेट लैंग्वेज रिक्वायर्स द केयरफुल यूज ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड चॉइस टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज योर टॉपिक्स इफेक्टिवली। एज अ राइटर यू गेन कमांड ऑफ एक्यूरेसी बाय स्टडीइंग द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल एंड बाय लर्निंग टू अप्लाई दोज एलिमेंट्स टू योर ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ यूजिंग वर्ड्स प्रिसाइजली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी जो है वो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, कैसे आप अपना अपनी राइटिंग को स्टाइलिस्टिकली एक्यूरेट बनाते हैं, ठीक है, और इसमें आपकी वर्ड चॉइस आती है, इसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है और इसमें आपके पैराग्राफ्स और पैराग्राफ की डिविजन्स आती हैं, ठीक है, और आपकी ग्रामर जो है वो असेंशियल पार्ट है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामर प्लेज अ वाइटल रोल इन आर कम्युनिकेशन। ग्रामेटिकल और मैकेनिकल एरर्स मेक राइटर्स लुक अनप्रोफेशनल एंड इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, अगर आपके ग्रामेटिकल एरर्स होंगे राइटिंग के अंदर तो आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिखाई देंगे और ना ही आप कॉम्पिटेंट दिखाई देंगे, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड जो है मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि हम एक पैसेज को, पैसेज की असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट को हम जो है वो पांच फाइव ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी एंड एफ, और हम इस ग्रेडिंग को जो है वो मेजर ग्रामेटिकल एरर्स की बेस पर जो है वो डिवाइड करेंगे या डिफाइन करेंगे। अगर एक पैसेज के अंदर देर आर फोर मेजर ग्रामेटिकल एरर्स तो ये एफ कैटेगरी में आएगा, ठीक है, दैट इज़ द लोएस्ट, और अगर इफ़ देर आर थ्री मेजर ग्रामेटिकल एरर्स तो फिर ये डी कैटेगरी में आएगा, और अगर इफ़ देर आर टू मेजर ग्रामेटिकल एरर्स तो ये सी कैटेगरी में फॉल होगा, इफ़ देर इज़ ओनली वन मेजर ग्रामेटिकल एरर तो फिर ये बी कैटेगरी में आएगा, और ए में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा और इसको हम लोग कहेंगे कि जी दिस इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। तो
ग्रामर जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी राइटिंग के अंदर, और यू नीड टू मेक योर राइटिंग एक्सीलेंट। थर्ड थर्ड वन इज टेक्निकल एक्यूरेसी, रिफर्स टू एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द राइटर्स कंसेप्चुअल मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स वोकैबुलरी एज वेल एज ऑन हिज और हर एबिलिटी टू एनालाइज एंड शेप डेटा विद अ मिनिमम ऑफ डिस्टॉर्शन। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनॉर्मस क्रिएटिव एनर्जी इज गिवन टू मास्टरिंग दिस टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट डिवेलपमेंट। टेक्निकल एक्यूरेसी एक्चुअली ये एक टेक्निकल स्किल है कि कैसे एक राइटर अपने डेटा को एनालाइज करता है और उसे ट्रांसमिट करता है या कम्युनिकेट करता है अपने रीडर्स को और अवॉइड करता है डिस्टॉर्शन को। ठीक है, यानी कि कितने इफ़ेक्टिव वे में वो अपने इस डेटा को एनालाइज करके और उसको ऐसी शेप देता है जो उसके रीडर्स के लिए कंप्रेहेंसिबल है। द नेक्स्ट एंड द फोर्थ गोल ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्निकल राइटिंग इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रक्चर एंड मेकिंग देम एज अ कम्प्लीट होल। ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल इन मेकिंग योर डॉक्यूमेंट कोहेरेंट टू योर ऑडियंस। अ प्रिडिक्टेबल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन योर डॉक्यूमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इज अ स्पेसिफिक अप्रोच टू डॉक्यूमेंट प्लानिंग एंड द की इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटलाइन। Outline help you work out both the general structure of your document and specific sections and topics. An outline will force you to partition material, develop a point of view, establish the scope of your document, sequence your topics, and develop a writing strategy. There are different methods for organizing your information. I name some of them. Number one, spatial. Spatial refers to space and the position of something. It is to describe or arrangement of information in a physical space, either by moving from one detail to the next or as viewed from one stationary vantage point to another. Then, general to specific. Sometimes informations are arranged from generalization to specification. Chronological. Chronological is the science of it is the science of arranging events in their order of occurrence in time. In writing, it entails the description of something in its time sequence. Mechanism description. A mechanism description is a short information that is designed to convey to the reader a technical understanding of the function, appearance, and operation of a particular object. The purpose is to write a description for operation of some machine or tool by describing its components individually and describe what they are made of and how they look like, what is their size, and finally how all components work together. Process description. It involves how a change takes place over time through a series of stages. Classification. Classification is the division of things into different groups according to particular characteristics. Comparison and contrast. Sometimes things are arranged in such a way that we base these things on their differences and similarities. More important to less important. Simply, sometimes information and data
is arranged in such a way that important things are mentioned first and then we move on to less important things. Situation, problem, solution, evaluation. Actually, it is when you are supposed to evaluate a situation or a problem and suggest its solution. Cause and effect. A cause and effect relationship is when something happens that makes something else happen. In other words, the cause creates the effect of something else. The final goal of technical writing is ethics. We know ethics is a system of accepted moral values and beliefs evolved to guide the behavior of individuals and groups in a society. We know that every individual is a part of society, and every society deems certain ethical values such as truth, honesty, loyalty, and kindness. These ethical principles define what is right and what is wrong in the society. Our behavior is said to be ethical when our speech, action, or decisions are taken with due thought to their impact on the society as a whole. सिंपल है कि जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं उस माशरे के अंदर कुछ सोशल और मॉरल कोड्स होते हैं, ठीक है, और ये सोशल और मॉरल कोड जो है एज एन इंडिविजुअल हम सब पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है. तो हमने उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने स्पीच, अपने एक्शंस के ज़रिए कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो हमारा ऐसा बिहेवियर शो करे कि हम जो है वो जो एथिक्स हैं उनको कन्फर्म नहीं कर रहे, ठीक है. तो सो एथिकल राइटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, यानी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की हैसियत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो रियलाइज़ करेंगे, और ऐसे वे में कम्युनिकेट हमने करना है कि हम अपनी सोसाइटी को इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है. इट अकर्स व्हेन वन इज ऑनेस्ट विद एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स एंड अदर्स वाइल सेंडिंग वर्बल मैसेजेस टू देम. यानी कि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हुए अपने सीनियर, जूनियर या अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयज या बाकी जो आपसे रिलेटेड लोग हैं उनसे इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि आप जो है आप उनके साथ ऑनेस्ट हैं, ठीक है. So the main attributes of ethical writing are the message is, number one, the message is practical, legal and moral. Number two, the contents in the message are true in every sense and is not deceptive in any way. Number three, the information is accurate and sincere. It involves no exaggeration, discrimination or manipulation. The message reveals both positive and negative information. यानी कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्लियरली मैंशन करना है, ठीक है. आपने अपने सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं देनी, रादर आपने अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करना है. ओपिनियंस आर नॉट स्टेटेड एज फैक्ट्स, ठीक है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एथिक्स का कि आपने अपनी राय को फैक्ट्स के तौर पे नहीं पेश करना, बल्कि आपने क्लियरली स्टेट करना है कि व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड व्हाट आर द फैक्ट्स. दस एथिकल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथफुलनेस एंड कम्प्रिहेंसिवनेस इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस. And finally comes the process of effective technical writing. It is an easy task, not so difficult. You need to do three things. Number one, pre-write, which takes 20% of your time. Number two, write, which again involves 20% of your time. Number three, rewrite,
बिफोर ट्रांसमिटिंग योर फाइनल ड्राफ्ट यू नीड टू रिवाइज इट विच रिक्वायर्स 50% ऑफ योर टाइम एंड विच हेल्प्स यू टू मेक योर पीस ऑफ राइटिंग मोर इफेक्टिव एंड मोर कम्प्रिहेंसिबल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप इट विल हेल्प. थैंक्स.